जैसा कि देख रहे होंगे कि जो कैपेसिटी और कंडेंसर जो चल रहा था आपका फिजिक्स में चैप्टर, उसमें क्वेश्चन संख्या हम अगला बताने जा रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उस समांतर प्लेट के संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें जबकि प्लेटों के बीच विभिन्न मोटाई के पारा वैद्युतीय पदार्थ रखा गया है। यानी कि दो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि दो हम लोग प्लेट ले लेते हैं और उसके बाद इसमें विभिन्न मोटाई के अलग अलग प्लेटों को व्यवस्थित कर देते हैं। तो प्रथम प्लेट का नाम हम लोग रख देते हैं एक्स और दूसरे प्लेट का नाम रख लेते हैं वाई। यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है और विभिन्न मोटाई के जैसे T1, T2, .tn प्रकार के गुटके को इसमें व्यवस्थित हम लोग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस फिगर को बनाने के बाद दाहिने साइड में फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद बाएं साइड में यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे कि माना कि समांतर प्लेट संधारित्र एक्स वाई है, जो कि यहाँ प्लेट दिया है एक्स और वाई, जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। प्लेट के बीच रखे गुटके के मोटाई T1, T2, T3, .tn और उसकी विद्युत स्थिरता क्रमशः Q1, क्रमशः ε1, क्रमशः ε1, ε2, ε3, ε n है, ε n है। जब संधारित्र को Q कूलम्स से आवेशित किया जाता है तो पारा वैद्युतीय पदार्थ में उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र क्रमशः E1, E2, E3, .. है। अब यहां लिख लेंगे कि इसलिए विभवांतर भी बराबर, विभवांतर भी बराबर आपका हो जाएगा E1 इंटू टी प्लस E2 T2 प्लस E3 T3 .. यहाँ .. का प्रयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में विभिन्न गुटका, विभिन्न गुटका मतलब एक से अधिक गुटका आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि .. का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि E1 बराबर होता है, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र बराबर होता है कि वन बटा एप्सिलॉन छोटा सिग्मा। तो यहाँ अलग अलग विद्युतीय क्षेत्र है तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे कि अलग अलग नाम भी दे देंगे। जब अलग अलग नाम दे देते हैं तो क्या होता है कि 1 बटा एप्सिलॉन 0 छोटा सिग्मा T1 प्लस 1 बटा एप्सिलॉन 2 छोटा सिग्मा T2, उसके बाद 1 बटा एप्सिलॉन 3 छोटा सिग्मा, उसके बाद T3 .. अब हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि सभी में एप्सिलॉन, देख रहे हैं कि छोटा सिग्मा सभी में क्या है, कॉमन है। जब सभी में छोटा सिग्मा कॉमन लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 बटा एप्सिलॉन 1 T1 प्लस 1 बटा में एप्सिलॉन 2 T2 प्लस 1 बटा में एप्सिलॉन 3 T3 .. हम कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमको पता होना चाहिए, पहले भी हम बता चुके हैं कि जो धारिता C बराबर होता है Q/V, यानी कि धारिता C बराबर होता है आवेश बटा में विभव या विभवांतर। उस स्थिति में हम देखते हैं कि भी का मान यहाँ पर रख देते हैं, क्यू बटा भी है तो भी का मान यहाँ से रख देते हैं, तो यहाँ क्यू बटा ए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ भी बराबर एप्सिलॉन छोटा सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा में ए, यानी कि घनत्व बराबर होता है, आपका घनत्व बराबर हो जाएगा क्या, आवेश बटा में क्षेत्रफल। इसलिए यहाँ पर जो छोटा सिग्मा है उसके स्थान पर रख देंगे क्यू बटा में ए, यहाँ हो जाएगा T1 बटा में एप्सिलॉन 1 प्लस T2 बटा में एप्सिलॉन 2 T3 बटा में एप्सिलॉन 3 .. कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि क्यू से क्यू को कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा कि ए को ऊपर भेज देंगे, तो ए को जब ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा A/T1 एप्सिलॉन 1 प्लस T2 एप्सिलॉन 2 प्लस T3 एप्सिलॉन 3 प्लस .. अब हम पहले भी बता चुके हैं कि जब क्या होता है कि कोई भी अनुपात प्लस के रूप में पड़ता है तो उसको एक जगह लिखने के लिए, एक जगह जोड़ने के लिए हम लोग सिग्मा का प्रयोग कर लेते हैं।
तो जब सिग्मा का प्रयोग कर लेंगे तो आपका धारिता C बराबर हो जाएगा A बटा में बड़ा सिग्मा D बटा में एप्सिलॉन, यही आपका क्या हो गया, यही आपका व्यंजक हो गया। जो भी यहां कोई प्रकार की दिक्कत होगा आप समझ सकते हैं या नंबर मेरा है उस नंबर से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी यहां दिक्कतें होगी प्रश्न में जहां भी समझ में नहीं आएगा आप समझ सकते हैं, और जब भी समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से बार बार नेक्स्ट क्वेश्चन बनता रहेगा, आप लोग यहाँ बताते रहेंगे, आप लोग समझते रहिएगा। जो भी आपको प्रश्न में डाउट होगा उसको ध्यान से पुनः पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए मेरा आपको नंबर पता ही है, जो भी डाउट होगा पूछने के लिए। तो बाकी देख लेते हैं कि यहाँ जो फिगर है एक्स और वाई, और इसमें विभिन्न प्रकार के हम लोग गुटका रखे हैं। विभिन्न प्रकार के मतलब कि अलग अलग प्रकार की उसमें गुटका आ सकती है और गुटका अलग अलग आ सकती है, इसीलिए जब भी व्यंजक हम बना रहे हैं तो यहाँ डॉट डॉट का प्रयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, इसी तरह से आगे भी आप लोग को मिलता रहेगा वीडियो। धन्यवाद।